व्यक्तियों को भगाने के लिए बहुजन संकल्प महासभा के तत्वाधान में आज दिल्ली के संसद मार्ग पर आप देख रहे हैं भीम आर्मी की आज जो कार्यक्रम किया गया है, देश विदेश से हजारों की तादाद में अम्बेडकरवादियों ने आज इस कार्यक्रम में शिरकत ली है। मंच पर सुशील सम्राट दिल्ली प्रदेश प्रभारी अपना बहुजन संकल्प महासभा के तत्वाधान में आप मैं कैमरामैन से कहूंगा वो दिखाए, सब लोगों को दिखाए, हजारों की तादाद में अम्बेडकरवादी आज दिल्ली के जंतर मंतर पर आए। आप देख सकते हैं कितनी भीड़, कितनी मीडिया यहाँ पर अपना पूरा सहयोग और समर्थन यहाँ पर कर रही है। संविधान को जलाने की कोशिश, यही संदेश देना चाहता हूँ। साथी हमारे बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको बैठाने की व्यवस्था करें। हमारे जितने भी वॉलंटियर हैं उनको बैठाने की व्यवस्था करें प्लीज। आज भीम आर्मी भारत राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जी को बैठाने की व्यवस्था करें। समाज के लिए एक मिसाल बन चुकी है। मैं कह रहा था करना चाहूंगा भीम आर्मी साथी जलता हुआ आग है, इसको बुझाने की कोशिश। पहले तो मैं संचालक महोदय का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर 2 मिनट का बोलने का समय दिया, क्योंकि मैं सुमित से इस महासभा का हिस्सा बनने नहीं आया था। सच कहूँ तो मैं इस महासभा का हिस्से बनने आरोपी बनाया जा रहा है। की चितों पर लगेंगे हर आज आवाज उठानी होगी और दो लाइनों के साथ आह्वान करना चाहता हूँ आप सभी से, जो आज ये कोई किराए पर लाए हुए आदमी नहीं है, ये वो समाज है किसी को समाज की पीड़ा को दिखाने के लिए जूम में अगर कहीं एक छोटा सा भी कार्यक्रम होता तो स्ट्रीम मीडिया जो हमारी भारत की जो बड़ी मीडिया है वो कहीं ना कहीं इस जगह पर भरमार से होती, लेकिन आज सोशल मीडिया पर जो हमारी जो छोटी मीडिया है जो हमारी बहुजन मीडिया है उसके अलावा आप देख सकते हैं इस पूरे मंच पर दूर दूर तक कोई मीडिया नहीं दिखाई दे रही है। सुजीत सम्राट जो दिल्ली प्रदेश प्रभारी हैं वो इस समय मंच को संभाले हुए हैं। आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में इस समय जो भीम अनुयायी है अम्बेडकरवादियों का जो हौसला देखते ही बन पड़ता है। आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ तक नजर जा रही है नीली टोपी और जय भीम के नारों से पूरा समाज गूंजा हुआ है। बने रहे संतोष टीवी चैनल पर, पल पल की खबर आपको देता रहूँगा। मैं मनोज अंतर।